वेलकम बैक टू माई चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप? सो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घर पे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी Lakme रोज पाउडर का, कह लीजिए आप शेड गाइड, या मैं आपको बता दूंगी कि दोनों किस स्किन टोन पे जाएंगे। एंड मेरे पास दोनों ही शेड है जो Lakme के रेंज में है। मेरे पास एक वार्म पिंक एंड एक रोज पिंक, तो दोनों ही जो है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है, तो मैं आपको दोनों के बारे में बता देती हूँ। सो गाइस, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में। ये पाउडर है Lakme का रोज पिंक पाउडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का इसका एप्लीकेटर रहता है और इसके अंदर एक पाउडर पफ मिलता है। इसका जो शेड है वो कुछ ये है, ये है रोज पिंक शेड। ये जाता है फेयर से लेके लाइट स्किन टोन वालों को, और अगर आप फेयर से लाइट स्किन टोन रेंज में हो तो आप ये शेड ले सकते हो। एंड इट्स कॉल्ड पिंक अंडरटोन, बट आप येलो अंडरटोन भी हो तब भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ज़्यादा पिंकिश अंडरटोन नहीं है, बट इसका नाम रोज पिंक जरूर है। एंड यहाँ पे है मेरे पास नेक्स्ट वार्म पिंक। ये मैंने यूज़ करके मोस्टली ख़त्म कर दिया है। ये मीडियम स्किन टोन से, आप लाइट से मीडियम स्किन टोन वाले तक इसे यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप थोड़ा हल्का डस्ट के स्किन में आते हो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका पाउडर पफ मेरे से गुम हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको इसका भी स्वॉच दे देती हूँ। ये कुछ इसका स्लीव वाला स्वॉच है, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा जो है ना वार्म है, वो पिंक था और ये वार्म है, यानी येलो अंडरटोन। तो अगर आप येलो अंडरटोन हो तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करो। एंड अगर आप मीडियम से लाइट स्किन टोन में या इवन डस्क स्किन टोन में भी आते हो ना, तो आप ये वाला ले सकते हो। और ये वाला जो है ये पिंक अंडरटोन के लिए है। अगर आप वार्म अंडरटोन हो न्यूट्रल में तो आप ले सकते हो, ज़्यादा अगर येलो अंडरटोन है, स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन हो तो मत लेना। अगर न्यूट्रल में हो तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। एंड ये फेयर से लेके लाइट स्किन टोन वालों तक बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप मीडियम में मीडियम स्किन टोन हो और आपको इसे यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर ज़्यादा मीडियम टू डस्की वाले हो तब मत करना। अगर मीडियम टू लाइट स्किन टोन वाले हो तब कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी वीडियो रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इन दोनों का रिव्यू अच्छा लगा हो तो मैंने सोचा आपके साथ स्वॉचेस भी शेयर कर देती हूँ, रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा देख के। और डेफिनेटली इन दोनों का पहले भी मैंने किया था, अभी मैं आपको स्वॉच के साथ दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट है इस वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड मैं बहुत सारा वीडियोस लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी अपने चैनल पे, कुछ एक्साइटिंग चीज़ें भी होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। एंड हाँ, अभी मैं थोड़ा अनएक्टिव हूँ, बट मैं जल्दी एक्टिव आऊँगी और आपके और भी बहुत सारे रिव्यूज़ वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो ना, छोटा सा भी डाउट हो तो कॉमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाय।